दोस्तों कैसे हैं? आज 3 तारीख है, 3 जनवरी। और देखेंगे निफ्टी में थोड़ी आपको बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में गिरावट लाई, तो मैं वापस आपको कल के लिए 4 तारीख के लिए एक अपडेट लेके आया, 4 जनवरी 2019 के लिए। तो वापस दोनों में निगेटिव ही दिख रहा है, और हो सकता है कल आपको वापस मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव ही, जो पैटर्न बनना डेरिवेटिव पर निगेटिव ही है। कल पुल बैक तो आना चाहिए, फ्राइडे है इसलिए कल पुल बैक आना चाहिए, तो हो सकता है कल आपको थोड़ा सा डाउन दिखा के सेकेंड हाफ में आप ले लें। तो कल के पोजीशन पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा, आपको जिस और प्रॉफिट हो अपना बुक करके कल की ओर आप निकल सकते हैं, क्योंकि अब एक पुल बैक क्लोजिंग में आनी चाहिए। 2 दिन कंटिन्यू गिरावट हो गई, अच्छा खासा लेवल गिर सकता है, हो सकता है कि कल एक गैप अप गिर के ही हो आपको, और उसके बाद वो रिकवरी लेके वापस आपको 800 की ओर दिखा सकता है। कल थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, सेकेंड हाफ में मेरे अंदाज से रिकवरी होनी चाहिए, और अगर रिकवरी नहीं होती है तो कल का मार्केट जो रहेगा न्यूट्रल मार्केट रहेगा, फिर कल को कुछ भी नहीं होगा, जो गैप डाउन खुलेगी शायद वहीं पे कांस्टेंट रहेगा। फिर भी जो डेरिवेटिव पे जो पोजीशन बना वो निगेटिव बन रहा है दोनों जगह, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करें चाहे आप निफ्टी की बात करें, दोनों में निगेटिव पैटर्न ही दिखता है। तो चलिए देखते हैं, आज देखिए 10,672 पे क्लोजिंग दिया है, 120 पॉइंट का 8 एडवांसेस है, 42 डिक्लाइन है। चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको बताया था निफ्टी फिफ्टी में, मैंने बोला था 10,700 का पुट पे अगर कोई पेपर ट्रेडिंग करे पोजीशन बनाए तो 137 का आप बना सकते हैं। ये कल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने बोला था कि इस वॉच टेक्निकल एनालिसिस 10,700 पुट एट रेट ऑफ 130, मीन्स 137 का उसका प्राइस था, तो आपको 137 से 130 कहीं पर भी आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आज चले तो उसके भाव को देख ले, तो क्या रहा निफ्टी के भाव को देखे एक बार, तो क्या रहा निफ्टी में, तो 10,700 के भाव को देखेंगे आज की क्लोजिंग है 44 रुपये के सरप्लस, वो 44 रुपये ऊपर क्लोजिंग हुआ है और 178 पे क्लोजिंग हुआ है। तो आज देखिए ये दिन भर किया किया है, तो आप देखेंगे ये लो बनाया है। आपको मैंने आपको कितने में बोला था, 137 में बाई करने के लिए बोला था, और अगर आप देखेंगे तो ये लो बनाया है 121 का, 137 आपको बोला था, 137 के बीच में जहाँ मिले आपको, तो आपने वहां पे 121 का लो बनाया है और हाई बनाया है 184 का, और क्लोजिंग हाई पे दिया है। इसका मतलब कल भी जो रहेगी चांसेस है इसमें, आपको हो सकता है कल एक बार और गैप अप के साथ दिखाए, चाहे जैसे भी दिखाए एक बार पोजीशन इसमें कल की और भी पुट की और हो सकता है, लेकिन कल सेकेंड हाफ में रिकवरी के चांसेस हैं। तो जो भी पोजिशन बनाए कॉशियसली बनाए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए चलें। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बायर यहाँ पे 1,30,000 खड़े हैं और सेलर 1,31,000 पोजीशन खड़े हैं। ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5.88 है, और 121 का लो बनाया, हाई 184 का बनाया है, ओपन 136 पे हुआ था, क्लोजिंग 177 का दिया हुआ है। यह है 10,700 का पुट है, 31 जनवरी का है। दूसरा मैंने आपको बताया था, कल बताया था आपको 10 टाटा स्टील का गिरावट देखने को मिल रही थी, तो मैंने आपको पुट लेने को बोला था 490 का पुट, जो 15 से 16 रुपये के बीच में आपको मिल सकता था। ये आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ 1485 की क्लोजिंग हुई थी, तो मैंने इस टाटा स्टील जो आपको कल के ही वीडियो में दिया हुआ है आप देखेंगे तो इसमें मैंने बताया था आपको टाटा स्टील पे व्यू दिया था बाई का। टाटा स्टील के डेरिवेटिव को देख लें तो क्या दिखता है, यहाँ पे 490 का पुट बोला था आपको बाई करने के लिए 15 से 16 रुपये में, एक मिनट देख लेते हैं वापस, 15 से 16 के रेंज में बोला था आपको बाई करना है इसको। तो 490 का अगर पुट देखेंगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसका 2190 है, तो आप देखेंगे ये ओपन हुआ 16 पे और 1580 का लो बनाया, हाई बनाता है ये 2215 का, तो आप देखेंगे इसमें भी अच्छे खासे पुट में भी जिसने पोजीशन 490 के पुट में बनाई होगी, मैंने 490 भी बोला था, 480 भी बोला था, 470 भी बोला था, मैंने आप तीनों लेवल पे बोले थे 490, 480, 470, जहां आपको सुविधा वहां पे आप पुट पे पोजीशन बना सकते हैं, आप जाके इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो जिसने भी बनाया होगा इसमें भी पोजीशन आप देखेंगे तो अच्छी खासी यहां पे भी आपको देखने टाटा स्टील में आपको यहां पे फायदा हुआ होगा जिसने भी बनाया होगा। अब अगर हम आगे की बात करें तो टाटा
टाटा स्टील के पहले एक बार डेरिवेटिव में आ जाते हैं, पहले निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी में जो आज गेनर रहे हैं वो इंफ्राटेल रहा है 1-3% के साथ, टाइटन रहा है, एससीएल टेक रहा है, एशियन पेंट रहा और बजाज ऑटो रहा है। लूजर आज आइशर मोटर वो कंटिन्यू रहा, लेकिन आइशर मोटर ने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 20,000 का लेवल नहीं तोड़ा। मैंने आपको बोला था 19,500 तोड़ेगा तो ये 16,000 को भी टच करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये 20,000 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है। तो आपको हो सकता है कल ये आइशर मोटर आपको 1,000 से 1,200 पॉइंट 2 से 3 दिन में आपको वापस 23,500 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर 19,500 तोड़ता है तो 16,000 की ओर जाने की कैपेसिटी रखता है, और अगर ये 19,500 नहीं तोड़ता है तो 23,500 आपको बहुत से बहुत जल्दी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम इसमें ये बात करें कि FIDI ने क्या किया है, FIDI के पोजीशन को भी एक बार देख लें, तो FI ने 972 करोड़ की बिकवाली की है, DI ने 34 करोड़ की खरीदारी की है, ये FI ने किया है। तो अगर इसके अलावा ये लूजर रहे आइसर मोटर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इंडिया बुल और RIC, ये लूजर रहे। अगर मैं आपको इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में आप देखेंगे वापस भिक्स ऊपर की ओर चल रहा है 2.46 है, लेकिन कल 5% था, अभी 2% है, तो गिरावट में थोड़ा धीमापन आ रहा है। तो हो सकता है कि अब ज़्यादा गिरावट उतना नहीं देखने को मिले, हो सकता है कल के मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिल सकता है आपको सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में गिरा करके। तो आप देखेंगे सारे इंडेक्स रेड में बंद हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पिटाई जो हुई निफ्टी मिड कैप की हुई है और निफ्टी 50 की हुई है। और अगर हम सेक्टरल इंडेक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा पिटाई में वापस मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर की हुई है। वापस आज कंटिन्यू इन सेक्टरों की पिटाई चालू रही है। अगर मेटल सेक्टर जो 2.25 पॉइंट से गिरा, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला मेटल सेक्टर में, तो अगर मेटल सेक्टर में देखें तो 68 पॉइंट सारे मेटल सेक्टर रेड है। कल ऑटो सेक्टर रेड था, आज मेटल सेक्टर रेड है। कोलपाल जो चल रहा था, कोल इंडिया, वो भी निकला है निगेटिव, और जिंदल स्टील हाइएस्ट लूजर के साथ 146 पे बंद हुआ है। और सेल में थोड़ा 1.1.60 टाटा स्टील आज 12 पॉइंट के साथ निगेटिव पैटर्न में क्लोज हुआ है, और ये ओपन होता है 493 पे, हाई बनाता है 493.15, जहाँ ओपन हुआ वही हाई है, लो बनाया 480 का और लो पे ही क्लोजिंग दिया है। तो टाटा स्टील में वापस 52 वीक लो नया बना चुका है, ये 52 वीक लो आप देखिए यहाँ पे, टाटा स्टील और वेदांता दोनों ने 52 वीक लो बनाया है। तो ये अच्छी बात है लॉन्ग टर्म बायर के लिए, इनको एक अच्छे रेट पे यहाँ पे बाय मिल रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये नीचे दिखाए पैटर्न पे टाटा स्टील के डेरिवेटिव में जाए तो टाटा स्टील में आज भी कॉल राइटिंग ही हो रही है, 500 पे भी हो रही है और 490 पे भी हो रही है और 480 पे भी हो रही है। बट 480 पे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो वॉल्यूम कम है, 1,32,000 का है, जहाँ की 490 पे 4,58,000 का है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो 480 से सपोर्ट अनवाइंड हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग गई हो रहा है। आप देखेंगे 480, 490, 500, ये 520, 530, 540, 550 शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और नीचे की ओर वापस सपोर्ट बन रहा है 470, 460, और 460 पे 4,37,172 ओपन इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और 480 पे 7,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो हो सकता है एक बार आपको ये 460 की ओर, पहले 470 और फिर 460 की ओर आपको हो सकता है एक बार ये दिखाए। बट आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अगर किसी हालत में अब 490, कल 505 का था, अब 490 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर आपको 490 क्रॉस करता है तो आपको एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए, 492 कर लीजिए इसको, 492 आज ये क्लोजिंग हुआ 480 पे, तो 492 का लेकर के आप इसको चल सकते हैं स्टॉप लॉस, 492 का स्टॉप लॉस लेकर के कीजिए। या आज का जो डे हाई था, अगर हम देखें इसका आज का डे हाई, एक मिनट, आज टाटा स्टील का जो हाई था 493.15, तो ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 493.15, और इसको लेके कैरी कर सकते हैं हम। तो आप चाहें तो टाटा स्टील में 493.15 का स्टॉप लॉस लगा करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो वापस नीचे की ओर 460 की ओर भी जा सकता है, ऐसा यहाँ से देखने को मिल रहा है।
कि अभी टाटा स्टील में थोड़ा सा कमजोरी हो सकता है और रहने को दिख सकता है। तो कल किसी ने भी, मैंने बताया था कि 520 से निकल के 8 रुपये का भाव था जो आज और गिरा है। मैंने बोला था 8 रुपये का भाव यहाँ पे चल रहा था, 470 पे चल रहा था 8 रुपये का भाव, तो उनका पैसा अगर रिकवर हो गया होगा पुट की पोजीशन आज टाटा स्टील में इन्होंने बनाया होगा, तो नहीं बनाया होगा तो कोई बात नहीं, अभी भी आप टाटा स्टील में ट्राई कर सकते हैं। एक बार आइसर मोटर को भी देख लेते हैं, आइसर मोटर में भी बहुत सारे पोजिशन बने हुए हैं। तो आइसर मोटर में भी देखेंगे तो अब कॉल राइटिंग जो है 20,000 के नीचे नहीं है, बहुत माइन्यूट कॉल राइटिंग है, तब उसको कॉल राइटिंग उतना नहीं बोल सकते। तो 20,500 पे ही लास्ट कॉल राइटिंग था जो आपको देखने को मिल रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर की ओर आपको ले ले दिखा दे। और सपोर्ट की बात करें तो 12,200, 20,000 पे इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 12,200 का, और आज के ही दिन 19,000 पे भी एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन 19,000 पे जो है शॉर्ट हो रहा है, सपोर्ट नहीं हो रहा, इसको शॉर्ट किया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये 19,500 को नहीं क्रॉस करेगा। आइसर मोटर किसी भी हालत में 19,500 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा 19,000 के, क्योंकि आप देखेंगे तो 19,000 पे जो है 4,500 से शॉर्ट किया जा रहा है पुट को, मतलब उसका जो सपोर्ट है 19,500 और 20,000 पे है। तो मुझे किसी भी हालत में 19,000 के नीचे जाते, 19,500 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है आइसर मोटर, जो कि डेरिवेटिव में ये पोजीशन बता रहा है। तो आइसर मोटर आपको 19,500 के नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा, और आपको जल्द, बहुत जल्दी आपको 22,500 23,500 देखने को मिलेगा। 23,500 का अगर कॉल का पार्ट देखें तो आज आपको, अगर मैं 22,000 का कॉल बोलूँ, 325 रुपये में मिल रहा है, इनफैक्ट 21,000 का 600 रुपये मिल रहा है। 500 रुपये तक अगर आइसर मोटर में कोई भाव मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप 21,000 का 600 में मिल रहा है, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो 21,000 के कॉल को ट्राई कर सकते हैं, एक लॉट ले सकते हैं आइसर मोटर का 601 पे। स्टॉप लॉस आपको 19,000 पे लगाना है, अभी 19,500 पे नहीं लगाना, 19,000 के नीचे, 19,500 तो आप देख ही रहे आपको कि नीचे नहीं जाएगा किसी कारण, इधर 50-50 100 पॉइंट इधर चला गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 19,000 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए और आप 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, ये 23,500, 24,000 तक इस महीने जाने का दम रखता है। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ 19,000 का 1 रुपया नीचे नहीं तोड़ेगा, 18,999 भी नहीं दिखाएगा आपको। तो ये मेरा ऐसा ओपिनियन है जो डेरिवेटिव पे दिख रहा है कि 19,500 भी नहीं तोड़ेगा आपको, 19,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 12,000 के बाद 6,000 का सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव सपोर्ट है और 20,000 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है 20,000 का, ये तोड़ेगा नहीं आपको। और ऊपर आपको सिर्फ 21,000 का जो रेट मिल रहा है 601 रुपये पे मिल रहा है, आप चाहें तो इस पर पोजिशन कल की, और अगर थोड़ा भी निगेटिव होकर के खुलता है तो आपको ऑटो सेक्टर हो सकता है कल आपका, और मेटल सेक्टर हो सकता है कल रिवर्स दिखाने को आपको दिखा दे, क्योंकि इनकी अच्छी खासी धुलाई हुई है, तो जो सेक्टर की धुलाई होती है वो रिकवरी भी उसी फास्ट से देते हैं। तो ये मेटल सेक्टर हो गया। अगर ऑटो सेक्टर में भी देखें तो ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो MRF, TVS मोटर, बजाज ऑटो ने खाली ग्रीन में दिया है सिग्नल, बाकी सभी ने तोड़ा है। आइसर मोटर 893 पॉइंट तोड़ा है, महिंद्रा महिंद्रा 23 पॉइंट तोड़ा है, अमर राजा बैटरी ने 20 पॉइंट तोड़ा है, टाटा DVR ने, और टाटा मोटर, तो ये मेरा फेवरेट तो है भी नहीं टाटा, तो कोई बात नहीं। अशोक लेलैंड तो देखिए अपने 52 वीक लो को बना रहा है, चलिए एंजॉय कीजिए अशोक लेलैंड पे। भारत फोर्ज अपने 52 वीक लो को बना रहा है, इस पर भी एंजॉय कीजिए। और आइसन मोटर अपने 52 वीक 20,001 का है तो उसको नहीं टच करेगा। आप देखेंगे आज का लो 20,151 का बना के फिर ऊपर ले लिया है और 20,200 पे लिया है। तो मैं आइसन मोटर पे फेवरेबल हूँ, बट ऑटो सेक्टर में देखें एडवांस तीन है डिक्लाइन दे रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा गिरावट देखने को हो सकता है। और एक बार आप अगर यहाँ पे मारुति को भी ले लें तो मारुति में आपको 76 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 7,100। तो कल मेरे अंदाज से निफ्टी में जो सपोर्ट आने वाला है ये ऑटो और मेटल सेक्टर से ही सपोर्ट आने वाला है, ऐसा दिखता है, क्योंकि ये दोनों की ही पिटाई अच्छी हुई है, यही कल लीड कर सकते हैं सेकेंड हाफ के बाद। तो आप मारुति पे भी ध्यान दे सकते हैं, आइसर मोटर पे ध्यान दे सकते हैं, और बाकी सेक्टर में कुछ खास है नहीं।
तो आप देखेंगे मीडिया सेक्टर 1.92, बैंक सेक्टर, जो बैंक सेक्टर को एक बार देख लेते हैं, बैंक में IDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बैंक को अगर देखें तो ये ओपन होता है 27181 पे, हाई बनाता है 27206 का, 206 का जो मैंने आपको बताया था, 200 क्रॉस नहीं करेगा, तो ये टेस्टिंग किया केवल, ये 27200 को टेस्ट किया और वापस देखे 26923 का बनाया और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 950 तोड़ा, लेकिन वापस रीगेन कर लिया 950। अगर ये 950 के नीचे क्लोजिंग देता तो कल बहुत अच्छा शॉर्ट पोजीशन बनता आपका, कल 750-850 के लिए देखते हैं। अभी भी चूंकि एक बार इसने 923 को टेस्ट किया है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको नीचे दिखाए और फिर ऊपर की ओर ले आए, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में आप, फर्स्ट हाफ तो आप निगेटिव बन सकते हैं, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव चांसेस यहाँ से भी दिख रहा है, निफ्टी से भी दिख रहा है, तो हर जगह से यहाँ पे सेकेंड हाफ में पॉजिटिव होने का चांस दिख रहा है। चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे भी देखें एक बहुत बुलिश रेड कैंडल बना है, हो सकता है कल आपको गैप अप ही फॉल करके दिखा दे और आपको 10750 के आसपास आपको दिखाए। अगर आज की क्लोजिंग देखेंगे तो आज की क्लोजिंग 10672 है, तो 650 इस कैंडल की बात करें तो 10534 जो इस कैंडल का लो है, मेरे अंदाज से ये टेस्ट नहीं करेगा, इससे यहाँ से ऊपर ले लेना चाहिए इसको, इस कैंडल को, और ये जो इसका सपोर्ट लेवल है 10509, यहाँ से ऊपर ले लेगा। तो कल अगर गैप अप खुलता भी है, किसी कारण से अगर गैप अप आपको फॉल दिखाई देता है तो वापस ये ऊपर ले लेगा। तो अब चूंकि आप बाहर निकल चुके होंगे तो अब पोजीशन शॉर्ट में बनाना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आज अगर किसी का पोजीशन होगा तो कल सुबह प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी के डेरिवेटिव में जा करके देखूं, ये टाटा स्टील, तो आइशर मोटर कंप्लीट हो गया आपका, टाटा स्टील भी हो गया। अब अगर मैं जा करके बैंक निफ्टी बाद में देखते हैं, पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में जो पोजीशन बन रही है, वापस ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम के साथ 1,93,10,800 एट द मनी 10672 10650 है, तो 10650 पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट जो हो रहा है बहुत माइन्यूट शॉर्ट हो रहा है 6200 का, और 10500 पे तो अनवाइंड भी हो गया चालू, प्रॉफिट बुकिंग भी 10500 पे चालू हो गया, 10600 पे हुआ है। तो हो सकता है वही जो बता रहा हूँ आपको, 10672 है तो 10600 तक का आपको दिखा करके ऊपर ले ले। और इधर देखें तो यहाँ से सब जगह से, यहाँ से भी आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग तो चालू ही है ऊपर की ओर, जो भी था शॉर्ट कवरिंग किया हुआ है, शॉर्ट कवर किया है या प्रॉफिट बुक करके बहार निकले हैं। तो 10500 पे 39 लाख ओपन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा, और अब यहाँ से भी ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है, अनवाइंड हुआ मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से भी चालू हो गई है 10500 से भी। तो इसका मतलब है कि अब हो सकता है कि अब कभी भी आपको ऊपर की ओर दिखा दे मार्केट, वो सरप्राइज नहीं होगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा कल के मार्केट के लिए। और अभी आपको इसलिए कॉशियस रहना पड़ेगा कि दोनों ये देखिए, अगर यहाँ पे देखें आज के डे में जो बता रहा है तो कल के भी पुट पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10500 जो अब जाएगा, कल ओपन गैप अप ही हो गया, मान लीजिए 150 पॉइंट और 550-600 दिखा दे, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, 10500 से नीचे दिखता नहीं है कि जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे। 10750 के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग गई है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो आज कॉल राइटिंग हो रहा था 10800 पे, वो वॉल्यूम के साथ है, 6 लाख के साथ है, यहाँ पे 10900 पे है और 10-11,000 पे, तो ऊपर की ओर कॉल राइटिंग तो हैवी है, बट देखेंगे नीचे 10650 और 10600 पे कॉल राइटिंग हैवी नहीं है, और 10500 से तो अनवाइंडिंग चालू हो गया। तो इसके कारण क्या है, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं लोग, जो भी शॉर्ट कर किए थे अब शॉर्ट कवर कर रहे हैं 10500 से। तो जैसे आपको कल का रेंज हो सकता है कि ऊपर आपको 10800 में प्रॉब्लम आएगा और नीचे 10500 में जाएगा नहीं, या कल दोनों तरफ का पोजीशन आपको एक बार नीचे दिखाएगा फिर ऊपर ले जाएगा, ऐसा कल का मार्केट दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें 10 जनवरी को, कल के 10 जनवरी है, अब देखिए आज 3 जनवरी तो ख़त्म हो गया, आपको पुट की और पोजीशन जिसने बनाए होंगे फायदे में होंगे। बैंक निफ्टी में मैंने पुट का पोजीशन बोला था, तो अगर किसी ने बनाया होगा उसमें भी फायदा होगा, आप कल की वीडियो जाकर देख सकते हैं। 10 जनवरी है, 10 जनवरी में प्रॉब्लम यह है कि ये नीचे दिखा के ऊपर ले गया है, तो इसको 26850 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, 26800 पे सपोर्ट है, और यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा
ज़्यादा ही डाउटफुल हो गया है अभी। इनफैक्ट दोनों ही डाउटफुल है, क्योंकि दोनों ही कल सेकंड हाफ में आप ले सकते हैं। अब कल जितना बोल्ड था उतना बोल्ड होकर के आज नहीं दे सकता आपको। अब देखिए यहाँ पे आप 26900 एट द मनी क्या हुआ, 26959 का 26900। अब यहाँ पे 30,000 से कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, जहाँ 2 लाख 1 लाख ऊपर हो रहा था वहाँ सिर्फ 30,000 से हो रहा है। तो मतलब 26900 के नीचे लोग जाते हुए ज़्यादा देख नहीं रहे। और सपोर्ट बोले तो एडिशन हुआ है 26900 पे सपोर्ट 1,19,000 का, और 26500 पे 2,20,000 का, और सबसे ज़्यादा देखें तो 4 लाख का 27,000 पे ही सपोर्ट है। और यहाँ से भी देखेंगे तो आप 27400 पे प्रॉफिट बुकिंग चालू है। तो बैंक निफ्टी भी कल आपको झुला सकता है, फिर भी एक बार आपको बैंक निफ्टी पे पुट पे पोजीशन बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी गैप अप देख के ही हो सकता हो जाए, और दोनों बनाना है तो पुट का पोजीशन कल भर के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ तक आपको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। सेकेंड हाफ तक मुझे लगता है कि वो वापस आपको नीचे दिखा देगा, ऊपर दिखा देगा, जस्ट रिवर्सल कर देगा। फर्स्ट हाफ में निगेटिव है, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव है, ऐसा पैटर्न से दिखता है, चार्ट से दिखता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो नहीं आने के कारण हो सकता है कल सेकेंड हाफ में आपको इसकी पोजिशन बनते हुए दिखे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में है, सेकेंड हाफ में चांसेस है कल रिकवरी ले लेगा। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद पोजीशन बना सकते हैं, देख सकते हैं। निफ्टी का व्यू देखने के लिए और बैंक निफ्टी पे व्यू, टाटा स्टील, आइसर मोटर पे आपको अपडेट दे दिया। ये सारे पेपर ट्रेडिंग और एजुकेशनल पर्पज से हैं। आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत